मैं आपका अपना अनुप सैनी, आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड समाचार। आज हम है भगवानपुर में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री सुबोध राखे जी के यहाँ, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। कल जैसे कि नया वर्ष है, उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से और आपको भी सबसे पहले नव वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ, और आप लोगों के माध्यम से अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को, अपने प्रदेश की सम्मानित जनता को, अपने देश की सम्मानित जनता को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 2020 ये साल जो निकला है, जिस प्रकार से पूरे संसार ने, पूरे विश्व ने त्रासदी झेली है, उसमें हमारा हिंदुस्तान भी है, और बड़ी हिम्मत के साथ इस महामारी का सामना किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने और हमारे लोगों ने। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि 2020 एक दुःस्वप्न की तरह ये हमारा निकल गया है, और आगे आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगा, इस देश के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में आने वाले 2021 में बहुत खुशहाली और समृद्धि और सुख शांति, आपसी सौहार्द, प्रेम भाव भी बढ़े, और हमारा देश जिस प्रकार से सरकार हमारी प्रयास कर रही है, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों से बहुत आगे बढ़े, तरक्की करें और बहुत जल्द विश्व गुरु बने। और 2021 बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे आज नया साल का आगाज है, आज अंतिम दिन है पुराने साल का, तो क्या गाइडलाइंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह मनाया जाए? देखिए, गाइडलाइन तो सरकार ने हमारी तरफ से, कोरोना ये महामारी यहाँ पर फैली है, गाइडलाइन हमारी सरकार के माध्यम से बार बार आ रही है। मैं आग्रह ये करना चाहता हूँ, गाइडलाइन का हमें पूरी तरह पालन करना है, क्योंकि ये महामारी अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। कहीं ना कहीं देश में, कई प्रदेशों में अभी भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम इस महामारी के माध्यम से हो रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी लोग सरकार की गाइडलाइन का प्रयोग करें, मास्क का उपयोग करें, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, जो सरकार ने हमें दिया है ये नारा, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है, जिससे कि हमारा अपना भविष्य सेफ हो सके, अपने परिवार का भविष्य सेफ हो सके और अपना देश भी पूरी तरह से सेफ हो सके। इसलिए सरकार की गाइडलाइन को पूरी तरह से उसका पालन करें, सबका मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद करूँ। सर, जैसे आपके परिवार भाजपा परिवार के मुखिया, खुद सीएम साहब सूबे के मुखिया हैं, उनकी भी साथ दिक्कत है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं भगवान से, परमपिता परमात्मा से उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, और आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के लिए बहुत मेहनत के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास उनका चल रहा है, और ये कोरोना महामारी ने उनको घेरा है, इस प्रदेश की और देश के करोड़ों करोड़ लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और निश्चित रूप से इस आसार विश्वास के साथ कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में आएंगे और अपने देश को नई गति के साथ, अपने प्रदेश को नई गति के साथ आगे बढ़ाने का पुनः जो प्रयास उनका चल रहा था, उस प्रयास में पुनः आगे वो काल से आकर लगेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सुबोध राखे जी, इन्होंने मुख्यमंत्री जी की जल्दी ठीक होने की कामना की है और सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी है। मैं आपका अपना अनुप सैनी, न्यूज़।